नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडलायुक्त ने चौपाल लगाकर प्रधानों से किया संवाद एवं किया पौधारोपण। मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने गुड़ा ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर चरखारी ब्लॉक के दो दर्जन ग्राम प्रधानों से संवाद किया, जिसमें सबसे पहले मंडलायुक्त व जिलाधिकारी मनोज कुमार ने खेल मैदान को देखा और पौधे भी रोपे। इसके बाद मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधानों से संवाद किया और कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं और हर गाँव में सचिवालय होना चाहिए। उस सचिवालय में एक दिन सचिव, लेखपाल, बिजली विभाग के जेई व ग्राम प्रधान बैठकर गाँव की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि गाँव को सरकार नरेगा के माध्यम से खूब पैसा दे रही है, जो अपनी ग्राम पंचायतों में लगाए। ग्राम पंचायत सुंदर होना चाहिए, सफाई का भी विशेष ध्यान दें। पंचायत सचिव जो नियुक्त किए गए हैं रोज पंचायत भवन में बैठे। मंडलायुक्त ने प्रधानों, सचिवों, लेखपालों, पंचायत सचिवों व अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र दिए। बैठक में उप जिलाधिकारी अरुण दीक्षित, BDO आर के सेठ, DPR, OCMO एवं ABSA सचिव कमलेश अनुरागी, हिमांशु अग्रवाल सहित दर्जनों प्रधान मौके पर रहे। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी कि गांव के हर काम गांव में ही होना चाहिए। सरकारी से संवाददाता जुगल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। तो मॉडल हो ही जाएगा। अभी कल मैं नवाली गांव में था, प्रधान जी बैठी यहाँ पर, शिप्रा जी, रात में वही पंचायत सचिवालय रुकता था। आज सुबह 5 बजे से गांव में घूमा भी था, रात भी घूमा था, एक घर गया था, कोई बहुत ज्यादा समस्या। अधिकारीगण, सम्मानित ग्राम प्रधान, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, फोर्स के जवान, मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स